और चलिए अब आपको साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पे 27 साल के बाद आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण का जो ये योग है वो बना है और 1300 साल के बाद आपको बता दें कि कुछ विशेष योग हैं जो कि सूर्य ग्रहण में देखने को मिल रहे हैं तो छह बजकर नौ मिनट पर सूर्य ग्रहण समाप्त होगा यानी कि सूर्यास्त के साथ सूर्यास्त के साथ ही ये सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा आंशिक सूर्य ग्रहण है उसकी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर इस समय चल रही हैं तो सीधी तस्वीरें हैं दिल्ली में आप देखें सूर्य ग्रहण पूरी तरह से अब आपको नजर आ रहा होगा हालांकि आप इनको आप साधारण इस तरह से नहीं देख सकते हैं टेलीस्कोप या फिर अन्य जो दूरबीन है उनके माध्यम से आप देख सकते हैं इसको लेकिन ये तस्वीरें दिल्ली की हैं और इसके अलावा पूरे देश के अंदर अलग अलग, अलग जगहों पर भी अब इसी तरह से जो ग्रहण है वो स्पष्ट दिख रहा है मंदिरों के अंदर आप देख रहे हैं पूजा पाठ सब बंद हो गया है मंदिरों को अमूमन बंद किया जाता है ग्रहण के दौरान और जब ये ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद ही दोबारा से जो पूजा पाठ हैं वो शुरू होंगे तो दिल्ली की तस्वीरें हैं देश के कई अलग हिस्सों में ये जो तस्वीरें आपको हम इस समय दिखा रहे हैं तो सूर्य ग्रहण की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है जो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं और इसी तरह से पूरे देश के अंदर अलग अलग जगहों पर सूर्य ग्रहण की ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और ये देश के कई हिस्सों में दिख रहा है न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इसी तरह से जो सूर्य ग्रहण है वो आपको नजर आएगा आंशिक सूर्य ग्रहण है पूजा पाठ या सभी जो धार्मिक अनुष्ठान है उस पर पूरी तरह से पाबंदियाँ हैं और जैसे ही यह समाप्त होगा उसके बाद ये दोबारा से आप इस पूजा पाठ को शुरू कर सकते हैं और इस दौरान आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये लगातार ये जो जानकारी है वो आप तक हमने पहुंचाई है और विशेष ख्याल आपको रखना है और अगर आप बेहतर हो कि इस दौरान जिन चीज़ों को वर्जित किया गया है आप उसको अगर ना करें तो 27 साल के बाद दीपावली पर यह संयोग है और 1300 साल के बाद आपको बता दें कि कुछ इस तरीके के विशिष्ट संयोग है जिस वजह से सूर्य ग्रहण के दिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर पाबंदियां रहती हैं और इसलिए गंगा स्नान का अपना अलग महत्व होता है सूर्य ग्रहण के दिन और इसलिए अलग अलग जगहों पर आप देख रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान लोग गंगा स्नान के लिए भी जा रहे हैं घरों के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो भी आपको बता दें कि ये गंगा जल का इस्तेमाल कर सकते हैं खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको ढक कर रखें तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा पाठ अभी वर्जित है पूरी तरह से और इसके अलावा किसी भी तरह के दान पर भी अभी फिलहाल पाबंदी है यानी कि जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो उसके बाद आप जो दान है वो भी आप कर सकते हैं लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि इस दौरान ना तो आप पूजा पाठ करें ना ही किसी तरह की कोई खाने पीने की सामग्री को बनाएं ना तो आप खाएं और जो खाने पीने का सामान आपके घर में है उनमें तुलसी के पत्तों को डाल करके आप रख सकते हैं और उसके बाद जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो तो उसके बाद आप अन्य जो कार्य हैं उसको सुचारू रूप से कर सकते हैं गंगा का छिड़काव भी आप अपने घरों में कर सकते हैं क्योंकि जो नकारात्मक प्रभाव है सूर्य ग्रहण का उसके आप ये कह सकते हैं कि जो मुक्ति है वो मिल सकती है तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। छह बजकर नौ मिनट पर ये जो ग्रहण है वो समाप्त हो जाएगा आंशिक ये जो ग्रहण है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ जगहों पर कुछ आगे पीछे चूंकि सूर्यास्त के साथ ही यह समाप्त होना है इसलिए ये जो ग्रहण है वो आंशिक है दो बजकर इकतालीस मिनट से आपको बता दें कि ये जो ग्रहण है उसकी शुरुआत हुई थी और अमूमन आपने देखा है कि लगभग सवा चार बजे के आसपास चार बजकर उन्नीस मिनट से लेकर के साढ़े चार बजे तक आप सबसे विशेष आपको बता दें कि जो ग्रहण है वो देखने को मिल रहा था और आप धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जो ग्रहण है सूर्यास्त के साथ समाप्त होगा क्योंकि पूरी तरह से जब ग्रहण है वो सूर्यास्त के समय तक ही रहने वाला है और उसके बाद अन्य जो स्थितियां हैं वो पहले की तरह सामान्य हो जाएंगी सबसे पहले अमृतसर में दिखा ये जो ग्रहण और उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में भी सूर्य ग्रहण को देखा गया और अभी भी अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं मंदिरों में हालांकि पूजा पाठ हमेशा ग्रहण के दिन वर्जित होता है इसलिए सभी मंदिरों में पूजा पाठ इस समय पूरी तरह से बंद है मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं और सूर्य ग्रहण के साथ ही जब ये समाप्त होगा तब मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के बाद दोबारा से जो धार्मिक अनुष्ठान है वो शुरू होंगे तो ग्रहण पर जो योग हैं वो तेरह सौ साल के बाद बन रहे हैं सत्ताईस साल के बाद ऐसा हो रहा है कि दीपावली के दूसरे दिन नहीं तो आप देखते हैं कि दीपावली के दूसरे दिन अमूमन जो गोवर्धन पूजा है वो की जाती है लेकिन इस बार ग्रहण की वजह से आप देख रहे हैं कि वो पूजा अगले दिन आप आगे हो गई है और उसी दिन आप देखेंगे गोवर्धन पूजा के साथ भाई दूज का भी जो त्यौहार है वो मनाया जाएगा तो वर्जित हैं शास्त्रों के अनुसार अगर आप इनको मानते हैं दूसरा ये है कि ये खगोलीय घटना भी है इसलिए इसके कुछ अलग जो इंपैक्ट्स हैं वो भी होते हैं इसलिए अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तब भी सन रेज और जो नेगेटिव वाइब्स हैं या जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको दूर करने के लिए भी ग्रहण के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर पाबंदियाँ होती हैं और अगर आप ज्योतिष कारणों को इसमें देखेंगे तो पहले से ही आप देखते हैं हमारे शास्त्रों के अंदर ग्रहण को लेकर के बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लिखी गई हैं और अगर आप उनको मानते हैं तो फिर जो वर्जित चीज़ें हैं उनको आप ना करें जैसे खाने पीने पर पाबंदी रहती है मनाही होती है पूजा पाठ ना करें मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको विशेष ख्याल रखने के लिए कहा जाता है नुकीली चीज़ों पर आप उसका इस्तेमाल ना करें नुकीली चीज़ों को दान कर सकते हैं ग्रहण के बाद पूजा पाठ का जो स्थल है उसको आप पूरी तरह से बंद रखें पूजा पाठ ना करें ग्रहण के बाद आप गंगा जल से सफाई कर सकते हैं गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में करें और गंगा से स्नान भी आप कर सकते हैं और बेहतर यह है कि अगर आपके आसपास अगर ये संभव है तो आप गंगा में स्नान भी कर सकते हैं ये सब नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए इस तरह के उपाय बताए जाते हैं तो ऐसा ही कुछ आपको आज ग्रहण के दिन करना है अगर आप इन सारी चीज़ों में या फिर आप अगर इन शास्त्रों में आपको लगता है कि जो बातें कही गई हैं उस पर आप भरोसा करते हैं तो आपको ऐसा जरूर करना चाहिए बाकी ये जो खगोलीय घटना है उसकी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं आप देखिए किस तरह से जो सूर्य ग्रहण है अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर दिखना शुरू हो गया है ये दो तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं जो कि ग्रहण की तस्वीरें हैं और इसको टेलीस्कोप के माध्यम से आप देख सकते हैं हाँ, एक चीज और आपको बड़ी महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है इसको आप खुली आंखों से इस तरीके से देख भी नहीं सकते हैं और दूसरा ये है कि आप इसको ना देखें क्योंकि ये अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो भी ये हानिकारक आपकी आंखों के लिए माना जाता है इसलिए आप इसको ऐसे देखने की कोशिश ना करें टेलीस्कोप अगर आपके आसपास कहीं उपलब्ध है या आप जा सकते हैं तो आप वहाँ पर जरूर देखें और जिन बातों पर मनाही है या जिन चीज़ों को वर्जित किया गया है अगर उनका अनुपालन करें तो वो और बेहतर आपके लिए रहेगा तो कुल मिलाकर के तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जो कि आपके स्क्रीन पर हैं सत्ताईस साल के बाद ऐसा हो रहा है कि दीपावली के ठीक अगले दिन ये जो योग है वो बना है क्योंकि इसके पहले इसी तरह का योग सत्ताईस साल पहले था और जिस तरह की ये खगोलीय घटना है ये तेरह सौ साल के बाद जो ये संयोग है वो लेकर के आ रही है तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तो पूरे देश के अंदर अब सूर्य ग्रहण दिख रहा है इसके कुछ नकारात्मक कुछ सकारात्मक जो प्रभाव हैं वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं तमाम जो ज्योतिषविद हैं वो आपको लगातार बता चुके हैं कि आपको इस दौरान क्या करना है वर्जित जो चीज़ें हैं आपको उनका ख्याल रखना है क्या कर सकते हैं ग्रहण के बाद क्या करना है ये भी लगातार आपको बताया गया है तो ग्रहण को लेकर के जो जानकारी लगातार हमने आप तक पहुँचाई है उसका आप ख्याल रखें और दूसरा ये है कि कोशिश करें कि जिन चीज़ों को वर्जित किया गया है आप उनको ना करें तो तेरह साल के बाद सूर्य ग्रहण की ये जो घटना है समय वो उसकी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं देखिए तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं दो अलग अलग जगहों के